हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में फाइलम टीनोफोरा। इसके पहले भी हम दो फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं, पोरीफेरा एंड निडेरिया, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम फाइलम टीनोफोरा। तो जितने भी ये टीनोफोराज हैं, इन्हें कॉमनली कहा जाता है सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। सी वॉलनट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखने में राउंड शेप के होते हैं, गोल होते हैं, अखरोट की तरह, यानी कि वॉलनट की तरह। एंड कॉम जेलीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जेलीज, यानी कि जेलीज की तरह ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके अंदर प्लेट्स होते हैं जिन्हें कॉम प्लेट्स कहा जाता है। तो कॉम प्लेट्स के बारे में हम आगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया कि इन्हें इनका कॉमन नेम क्या है और क्यों कहते हैं। तो याद रखना है कि कॉमन नेम है सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं टीनोफोरा के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। तो यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं टीनोफोराज में, ये सारे के सारे मराइन होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सी एंड ओशन में ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। इसीलिए इनके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, एक्सक्लूसिवली मराइन। यानी कि जितने भी यहाँ पे टीनोफोराज हैं, ये सारे के सारे सिर्फ मराइन फॉर्म में ही मिलेंगे, यानी कि सी एंड ओशन में ही मिलते हैं। अब ये होते क्या हैं कि दे आर फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स। ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्विम करते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो इनके अंदर रेडियली सिमेट्री दिखता है, यानी कि ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो ये इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम बात करेंगे जर्म लेयर की। तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनके पास टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। जैसा कि ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, तो अगर सेलम की बात करें तो ये होंगे असेलोमेट। तो याद रखना है जो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वो असेलोमेट ही होते हैं, क्योंकि इनके पास दो जर्म लेयर्स ही प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलम देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इनके बॉडी की बात करते हैं। अब हम इनके बॉडी की अगर बात करें, तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मैंने। तो यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं हम पूरा इनका बॉडी का डायग्राम है। यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो सिलिएटेड कॉम प्लेट्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि इनकी बॉडी में प्लेट्स होते हैं जिसे कॉम प्लेट्स कहते हैं, और ये होते हैं सीलिएटेड, यानी कि इनके जो कॉम्प्लेट्स है उसमें सीलिया प्रेजेंट रहता है। और दूसरा हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये है टेंटिकल्स। ये जो टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स में कोलोब्लास्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये कोलोब्लास्ट हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में, यानी कि इनको अपने शिकार को कैप्चर करने में हेल्प मिलता है। अब जो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं, ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे इनको? तो ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हेल्प करते हैं इनको लोकोमोशन में एंड मूवमेंट में। याद रखना है कि सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड इनके पास कितने सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, तो ये भी याद रखना है कि इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यही ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। तो ये नंबर में 8 है, तो याद रखिएगा 8 होते हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास प्रॉपर्टी की, जो इनके अंदर एक बहुत ही अलग सा प्रॉपर्टी है, वो है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस ये शो करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं। बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल, जैसे कि जुगनू के बॉडी से लाइट एमिट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो यहाँ पे इनमें ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हैं। तो इनके पास प्रॉपर्टी होती है बायोलुमिनेसेंस। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं इनके डाइजेशन की। तो डाइजेशन की अगर बात करें, तो इनके अंदर दोनों तरीके का डाइजेशन, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर
और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों तरीके से होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है ये मैं पिछले लेक्चर्स में भी समझा चुकी हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि जो बॉडी की कैविटी है या जो स्टमक का कैविटी है उसके अंदर डाइजेशन होगा, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है सेल के अंदर होता है डाइजेशन। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेथड से ही होता है इनके अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर ये कैसे होंगे, हर्मोप्रोडाइट होते हैं यानी कि बाईसेक्सुअल से, दो जो दोनों मेल और फीमेल पार्ट हैं, जो मेल और फीमेल पार्ट है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा हर्मोप्रोडाइट या बाईसेक्सुअल। तो यहाँ पे इनके अंदर अब होता क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होते हैं, यानी कि मेल जो गैमेट है वो अलग समय में मैच्योर होगा, फीमेल गैमेट अलग समय में मैच्योर होगा, जिस वजह से इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स का मेल गैमेट दूसरे ऑर्गेनिज्म के फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करता है, इस वजह से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा, ये पानी में रहते हैं इस वजह से पानी में ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इन ये क्या करते हैं, लार्वल स्टेज है इनके अंदर, तो लार्वल स्टेज होने की वजह से ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें। और इनका जो लार्वा है उसका नाम है साइटिपिड। ये तो हो गए इनके करेक्टरिस्टिक्स, अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया और दूसरा है टीनोप्लेना। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, इनमें इतना ही हमें करेक्टरिस्टिक्स में देखना है कि क्या क्या है, और लास्ट में एग्जाम्पल याद कर लेना है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में जो मैंने ये फाइलम डिस्कस किया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो फाइलम्स में एक एक करके आपको उनके सारे करेक्टरिस्टिक्स और जो भी उनके बारे में डिटेल्स में है वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करते जाऊँगी।